लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह की धरती पर बस सकेंगे इंसान। नासा ने कर ली है पूरी तैयार। मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बसाने, लाइफ ऑन मार्स के सपने वैज्ञानिक नासा साइंटिस्ट पिछले कई सालों से देख रहे हैं। अब नासा इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए इंसान के डीएनए में भी वो बदलाव मॉडिफिकेशन इन ह्यूमन डीएनए कर रहा है जो मंगल ग्रह पर सरवाइव करने के लिए जरूरी है। ये बात सच है कि मंगल पर रहना धरती पर रहने की तुलना में कठिन है। प्रोफेसर क्रिस मेसन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में जेनेटिक्स पढ़ाते हैं और वे नासा के इस खास प्रोजेक्ट में मुख्य तौर पर काम कर रहे हैं। नासा के ट्विन प्रोजेक्ट के तहत ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर इंसान अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स जीन मॉडिफिकेशन में यात्राएं करता है तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव होगा। प्रोजेक्ट के तहत इंसान के जीन्स में बदलाव भी किया गया है जिससे उसे अंतरिक्ष स्पेस ट्रैवल में जाने में परेशानी ना हो। इंसान के डीएनए में बदलाव है जरूरी। रिसर्च के तहत नासा के एस्ट्रोनॉट्स के मेटाजिनोम्स को लेकर ऐसे जेनेटिक डिफेंस तैयार किए गए हैं जो आने वाले वक्त में स्पेस ट्रैवल में मदद करेंगे। प्रोफेसर क्रिस बताते हैं कि डीएनए के ये नए तत्व कभी खत्म नहीं होंगे और इनसे हाइब्रिड सुपर ह्यूमन सेल बनाई जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि एक खास जीन जिसे डीएसयूपी कहते हैं वो अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान होने वाले नुकसान से बचाता है। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लैब में तैयार किया गया ये नया ह्यूमन जीनोम और नई सेल अंतरिक्ष के रेडिएशन भरे माहौल में सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है। मंगल पर बसने की तैयारी। प्रोफेसर क्रिस का मानना है कि मानव जाति को मंगल ग्रह पर बसने के लिए वहां के माहौल में ढलने की क्षमता जरूरी है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए संभव है। जब जीन में बदलाव होगा तो हमारी जाति वहां सरवाइव कर सकेगी। प्रोफेसर क्रिस ने अपनी किताबी द नेक्स्ट 500 इयर्स में उन्होंने लिखा है कि जेनेटिक एडिटिंग के जरिए भविष्य में अंतरिक्ष यात्री कॉस्मिक रेडिएशन के दूरगामी प्रभाव से बच पाएंगे। लोगों को चांद और मंगल के साथ साथ शनि जैसे ग्रहों पर भी अपनी बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि जब इंसान के जीन में बदलाव होता है कि उसका बायोलॉजिकल सिस्टम भी चेंज होता है, इससे उसे कुछ मेडिकल परेशानियां भी हो सकती हैं।